हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ पंडित पे। और हमारा जो ये मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन चल रहा था दोस्तों, आज हम कंटिन्यू हैं। और चूंकि मैंने आपको पिछला वीडियो जो है वो भारतीय राज्य व्यवस्था का डाला था, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है और पूरा मैं बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है। तो आज हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक दिन हिस्ट्री और एक दिन क्या चलेगा आपका राज्य व्यवस्था चलेगा, ठीक है। तो चलिए, आज है हिस्ट्री का सेशन। तो हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं आंग्ल नेपाल संबंध, ठीक है। क्योंकि क्या था, जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिश जब आए तो भारत पे अपना तो प्रभुत्व उन्होंने जमा ही रखा था, और उनकी एक नीति थी साम्राज्यवाद की नीति, ठीक है ना। यानी वो अपने साम्राज्य को विस्तार करते जा रहे थे, विस्तारवादी नीति को अपना रहे थे। इसलिए क्या था, उनके पड़ोस में आने वाले जितने भी देश थे उनको भी कहीं न कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको म्यांमार के बारे में बताया था, भूटान के बारे में भी मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में, और आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो नेपाल के संबंध में है, ठीक है। कैसे कैसे नेपाल के साथ क्या क्या चीजें होती हैं, पूरा कहानी मैं आपके सामने क्रिएट करूंगा, ठीक है ना, कि कैसे नेपाल पे जो है अंग्रेजों का प्रभुत्व वहां पे कायम हो जाता है, बात समझिएगा जरा। और फिर नेपाल के बाद हम आपको तिब्बत को बताएंगे, तिब्बत के बाद अफगानिस्तान के साथ जो इनका संबंध था वो भी बताएंगे, लेकिन आज के वीडियो में पूरा हम नेपाल पे स्थिर रहेंगे, ठीक है। चलिए जरा देखिएगा क्या हुआ कि नेपाल जो था वो हमारे भारत से सीमा साझा करता है, आज भी करता है और पहले भी करता था, ठीक है। तो जब भी कोई पड़ोसी राज्य क्या होता है एक दूसरे के आसपास होते हैं तो वहां पे थोड़ा बहुत टकराव जरूर होता है, लेकिन अंग्रेजों की जो नीति थी वो विस्तार की नीति थी। और उसके लिए क्या था, ये अंग्रेज जो है नेपाल तक विस्तार करना चाहते थे, कुछ ऐसे इलाके थे जिसपे वो कब्जा करना चाहते थे, कि क्योंकि उस इलाके को कब्जा करने के पीछे अंग्रेजों का एक जो अर्थ था कि उनको मध्य एशिया में जाने के लिए डायरेक्ट एक रास्ता मिल जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे जरा देखिएगा कि सबसे पहले क्या अंग्रेज थे जो नेपाल पे चढ़ाई करने का प्रयास किए, नहीं, इससे पहले कौन था, इस सबसे पहले जो है पहला अभियान मीर कासिम द्वारा, जो बंगाल का नवाब था। मैंने आपको जब बंगाल विजय मैंने पढ़ाया था उसमें मीर कासिम के बारे में पूरा डिटेल चर्चा किया था। तो जो बंगाल का नवाब मीर कासिम था उसके द्वारा 1762 ईस्वी में किया गया था पहला अभियान नेपाल के खिलाफ, ठीक है ना। लेकिन नेपाल 18वीं शताब्दी में इतना ज्यादा वो ताकतवर था कि मीर कासिम को हरा दिया, ठीक है। लेकिन मीर कासिम के बाद फिर अंग्रेज व्यापारियों का एक सेना जाता है, और वहां जाने के तत्पश्चात क्या होता है कि वो लोग भी क्या होते हैं ना, यहाँ पे उनको भी कोई सफलता हासिल नहीं होती, यानी वो भी असफल हो जाते हैं, अंग्रेज व्यापारियों की एक सेना भी, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जब अंग्रेज भी देखिए जहां जहां अंग्रेजों की हार हुई है वहां पे अंग्रेजों ने संधि किया है। संधि इसलिए किया है क्योंकि उन्हें कुछ समय मिल जाए, और जैसे उनको समय मिलता था वो अपने आप को ताकतवर कर लेते थे, उनकी कमजोरियों को पकड़ लेते थे, और जैसे ही किसी दुश्मन की कमजोरियां आप पकड़ लेते हैं तो आप उसको हराना आसान हो जाता है आपके लिए, ठीक है। देखिए जरा अब क्या होता है कि 1792 में वही व्यवहारिक संधि हो जाती है अंग्रेजों और नेपाल के बीच, ठीक है। जब अंग्रेज हार जाते हैं, मीर कासिम हार जाता है, तब क्या होता है कि यहाँ पे 1792 में व्यवहारिक संधि कर लेते हैं अंग्रेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि नेपाल को भी कहीं ना कहीं पता था कि ये लोग ऐसा करने वाले हैं, क्योंकि वर्मा वर्मा के साथ भी ऐसा हो चुका है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि नेपालवासी जो है दोस्तों ये क्या करते हैं कि 1801 में गोरखपुर पर अधिकार कर लेते हैं, ठीक है ना। गोरखपुर के ऊपर 1801 में क्या करते हैं, अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही 1801 में गोरखपुर पे इन्होंने अधिकार कर लिया दोस्तों, अब क्या होता है कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश भारत पे संप्रभुता पे खतरा आ जाती है, ठीक है। और जब भी आप क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स के ऊपर आप कब्जा कर लेते हैं उस समय के दौरान, तो ब्रिटिश वाले जो थे अपने आप को अपमानित समझते थे कि हमारे राज्य में आकर के कोई दूसरा राज्य का कब्जा कर लेता है, वो उससे बड़ा अपमान का चीज कोई हो नहीं सकता था, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे होता क्या है, थोड़ा मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। अब जो है अंग्रेजों ने दो लोगों को भेजा प्रतिनिधि मंडल के रूप में वहां पे संधि के लिए, ठीक है। कौन कौन से थे जरा देखिएगा, 1802 में, क्योंकि 1801 में गोरखपुर पे अधिकार तो हो चुका था नेपाल का, तो क्या होता है 1802 में कैप्टन नॉक्स और कर्नल किरपैट्रिक को नेपाल प्रतिनिधि मंडल के रूप में भेजा गया, ठीक है। यानी दोनों नाम याद रखिएगा, ठीक है, किनको, कैप्टन नॉक्स और कर्नल किरपैट्रिक को, ठीक है ना, ये भेजा गया नेपाल पे, ठीक है, नेपाल के वहां पे प्रतिनिधि मंडल के रूप में भेजा गया। अब देखिए होता क्या है कि वहां पे जब ये प्रतिनिधि मंडल के रूप में जाते हैं ना, तो इनको बहुत बड़ी सफलताएं हासिल नहीं होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि गोरखा एक जनजाति थी वहां पे, और गोरखा जनजाति जो है उनका जो प्रभुत्व था कहीं ना कहीं नेपाल के ऊपर था, ठीक है ना। इसलिए क्या है
कि जब ये बातें नहीं बनती है तो यहाँ पे ज्यादा देखिएगा फिर भी हम अंग्रेज क्या होते हैं ना, न्यूट्रल हो जाते हैं, क्योंकि उस समय तक मैंने आपको जैसे बताया कि नेपाल थोड़ा सा ताकतवर राज्य था, ठीक है ना। और देखिए क्या है, नेपाल जो है ना वो चाइना की तरफ यानी दक्षिण की तरफ जो है वो अपना कब्जा नहीं कर पा रहा था। जरा मैं आपको एक मैप के द्वारा ड्रा कर देता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये क्या है ना, भारत का मैप, ठीक है। एक मिनट जरा देखिएगा, ये है आपका भारत का मैप, ठीक है। और ये लगभग आपका हो गया, देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता देता हूं ना तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा आपका भारत का और ये रहा आपका नेपाल, ठीक है ना। जरा आप इसको एक बार समझ लीजिएगा, ये है आपका नेपाल दोस्तों, ठीक है ना। ये था नेपाल आपका, और क्या है, इधर था आपका तिब्बत चाइना, क्योंकि उस समय तक भी क्या था, तिब्बत पे चाइना अपना अधिकार करना चाहता था। तो यहाँ पे क्या था ना कहीं चाइना का प्रभुत्व होने के साथ ही क्या है कि ये नेपाल वाले दक्षिण की तरफ जो थे वो अभियान नहीं कर पा रहे थे, अपना राज्य विस्तार नहीं कर पा रहे थे। इसलिए क्या कर रहे थे, ये भारत की तरफ ही क्या करना चाहते थे, अपने राज्य को विस्तार करना चाहते थे। लेकिन भारत में भी एक बड़ी शक्ति थी अंग्रेजों के रूप में, तो वो भी क्या करते थे, इनको क्या आने देते क्या, इनको नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पे नेपाल ने 1801 में गोरखपुर पे कब्जा कर लिया, और जैसे कब्जा किया फिर क्या हो, यहीं से कहानी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन उसी समय क्या है, ये नेपाल युद्ध शुरू कैसे होता है, आग्लो नेपाल युद्ध चालू कैसे होता है, तब क्या होता है कि लॉर्ड 1813 में जो लॉर्ड हेस्टिंग थे वो गवर्नर बन के भारत में आते हैं, ठीक है ना। वो गवर्नर बन के भारत में आते हैं कब, 1813 में। कौन, तो लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर बन के जब भारत में आते हैं तो गोरखों से उनका क्या होता है, सामना होता है, क्योंकि नेपाल में उसमें गोरखों का बहुत बड़ा प्रभुत्व था, एक ये जनजाति थी, ठीक है ना। और वहां पे जैसे ही क्या है कि लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा जब गवर्नर बन के आए तो गोरखों के ऊपर क्या हुआ, गोरखों से उनका एक अभियान चला, गोरखों के साथ उनका युद्ध चला, ठीक है ना। और इसी युद्ध के साथ ही 1814 ईस्वी के अंदर युद्ध की शुरुआत हो गई, आग्न नेपाल युद्ध। आग्न नेपाल युद्ध 1814 में शुरू हो गया दोस्तों, ठीक है। और जब भी आपसे मैं एक एक इम्पोर्टेंट चीज मैं लिख देता हूँ जिससे आपके ध्यान में रहे, आपकी नजर में रहे, क्योंकि जो मैं इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बोलूंगा वो शायद आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो लिख दिया जाता है यहाँ पे चीजें वो थोड़ा सा आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक पैड के रूप में बनी रहती है, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब 1814 में जब आग नेपाल युद्ध चालू हो गया तो चूंकि देखिए यहाँ पे जो अंग्रेज लड़ते थे लड़ाई ना, उनके पास एक व्यापक रणनीति होती थी, ऐसा नहीं है कि गए और युद्ध कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। उनके पास, उनको पता है कि हमारे पास सेनाएं कम है, और किसी को हराने के लिए अगर सेना कम है आपके पास तो रणनीति अधिक होनी चाहिए। देखिए अंग्रेजों के जीतने का कारण ही रणनीति थी अच्छी, ठीक है। एक अच्छी रणनीति के साथ अच्छे व्यापक तरीके से और उनके पास जो आधुनिक हथियार थे उसके द्वारा भी क्या होता था कि ये लोग युद्ध जीत जाते थे, ठीक है। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले लॉर्ड हेस्टिंग जो है ना, वो देखिए लॉर्ड हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, इस दोनों में अंतर करिएगा। वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है ना, जो 1773 में बना था, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक सेना तीन दलों में भेजा जाता है, ठीक है। नेपाल युद्ध के लिए तीन दलों में लॉर्ड हेस्टिंग ने सेना भेजा। पहला भेजता है कर्नल अख्तर लोनी के नेतृत्व में, ये सतलज नदी की तरफ से, ठीक है ना, कहाँ से, इधर सतलज नदी की तरफ से क्या होता है सेना भेजता है। और एक मेजर जनरल मार्ले को जो है पटना की तरफ से, ठीक है, पटना की तरफ से, यहाँ पे देखिएगा तीनों से घेर रहा है वो पटना की तरफ से। और मेजर जनरल मार्ले को जो है वो क्या करते हैं, सॉरी जॉन वुड को क्या है गोरखपुर यानी डायरेक्ट लड़ने के लिए भेजता है, ठीक है। यहाँ जरा देखिएगा, पहली सेना अख्तर लोनी की तरफ, देखिए यहाँ पे अख्तर लोनी की कहाँ से भेजता है, सतलज नदी की सहारे भेजता है, और यहाँ से पटना की तरफ मेजर जनरल मार्ले को भेजता है और सीधे जॉन वुड को भेजता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, सीधे लड़ाई के लिए नेपाल को किससे भेजता है दोस्तों, तो ये भेजता है जॉन वुड को भेजता है, ठीक है। पटना की तरफ से किसको भेजा, मेजर जनरल मार्ले को, और यहाँ से सतलज नदी के सहारे यानी कि किसको भेजा, तो कर्नल अख्तर लोनी को भेजा, ठीक है ना। तीन तरफ से सेनाएं भेज रहा है यहाँ पे ब्रिटिश, ठीक है ना। अब यहाँ पे अंग्रेज जब तीन तरफ से सेनाएं भेजे तो क्या होता है कि नेपाल जो था उनके पास कोई व्यापक रणनीति नहीं थी, क्योंकि वे जनजाति थे और वे क्या करते थे, बस आक्रमण करना जानते थे। तो जैसे ही क्या हुआ, सामने से जॉन वुड के द्वारा क्या होता है कि जब आक्रमण होता है दोस्तों तो वो लोग सामने से आक्रमण करते हैं, लेकिन इधर क्या है कि अख्तर लोनी जो है वो जा करके और 28 फरवरी 1816 को गोरखों को पूरी तरह से हरा देता है।
ठीक है ना। और इस बीच गोरखे जो है ना संधि भी करना चाहते हैं, लेकिन ये संधि नहीं करते हैं, क्योंकि जब दुश्मन हार रहा हो तो उसे संधि करने का मतलब नहीं होता है, जब मैं फायदे में हो तो। ठीक है, अंग्रेजों की ये नीति थी। ठीक है, तो अंग्रेज क्या करते हैं कि 28 फरवरी 1816 को गोरखों को बुरी तरह से पराजित कर देते हैं। जब गोरखे पराजित हो जाते हैं, और देखिए गोरखों के पराजित होने का एक बड़ा कारण ये था कि जब अंग्रेज जो है अभियान करने गए थे इनके ऊपर, तो इन पहाड़ी इलाकों में दोस्तों, ठीक है, इन पहाड़ी, क्योंकि आपको पता है ये सारा इलाका जो है पहाड़ी है, ठीक है, हिमालय पर्वत है यहाँ पे, ठीक है। और पहाड़ी इलाकों में होता क्या है दोस्तों कि उनको बहुत सारी सेनाएं मिल जाती हैं, जो जनजाति थे उनको कार्य चाहिए था, उनको खाने के लिए थोड़ा दिक्कत होता था, ठीक है। तो उनको क्या किया, अंग्रेज अपने सेना में शामिल कर लिए। जब अंग्रेज अपनी सेना में शामिल कर लिए तो उनकी सेना बृहत हो गई, तो बृहत हो गई तो नेपाल को हराना और भी आसान हो गया। अब यहाँ पे जैसा कि 28 फरवरी 1816 को गोरखों को पराजित कर दिया गया, और यहाँ पे जब पराजित हो गए तो कुछ न कुछ देख करके अब यहाँ पे नेपाल भी अब आश्वस्त हो गया कि भैया अब हम तो जीत नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए एक संधि हो गई, ठीक है। क्या संधि होती है, तो मार्च 1816 में सगौली की संधि होती है, ठीक है। सगौली की संधि अब बहुत ही चर्चे में रहा है पिछली साल, ठीक है, पिछली साल चर्चे में इसलिए रहा है क्योंकि नेपाल जो है भारत के कुछ हिस्से को अपना हिस्सा बता करके एक मैप जारी कर दिया था, ठीक है। तो ये सगौली की संधि जो है उसी मामले में जो है आपको सुनने को मिला होगा, आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसको आप देखिए, यहाँ से क्वेश्चन भी बना था, ठीक है, पीसीएस के मेंस में जो है क्वेश्चन भी बना है सगौली की संधि पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको आप एक बार जरा ध्यान दीजिएगा। जो भी करंट की चीजें हैं, जो करंट में चल रहा, अगर ऐतिहासिक चीज अगर करंट में चल रहा है तो उसके इतिहास को जाकर के जरूर पढ़ें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं जो भी 365 दिनों के अंदर आपके न्यूज़पेपर में है वही आपके मेंस एग्जाम में या फिर प्री एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो सगौली की संधि होती है, आखिर क्या है ये सगौली की संधि, ठीक है ना, आपको जानना बहुत ही अनिवार्य होगा। इसमें जो है हम लोग चार पॉइंट बहुत बेसिक जानेंगे, ठीक है। सगौली की संधि में सबसे पहले क्या होता है कि गढ़वाल कुमाऊं जिले के साथ साथ तराई क्षेत्र के अधिकांश हिस्से जो है ना वो अंग्रेजों को दे दिए जाते हैं नेपाल के द्वारा, ठीक है। यह देखिएगा, यही है ना आपका कुमाऊं गढ़वाल, यहाँ पे जो भी उत्तराखंड वगैरह में पड़ता है, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। तो कुमाऊं गढ़वाल जो है जिले जो है आपका उत्तराखंड में है, वो क्या होता है कि अंग्रेजों को दे देता है कौन, नेपाल, और ये तराई क्षेत्र भी दे देता है, तराई क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा। दूसरा क्या था, ब्रिटिश भारत और नेपाल की सीमा निश्चित हो जाती है, क्योंकि पहले सीमा निश्चित नहीं थी, अभी ब्रिटिश भारत और नेपाल राज्य की सीमा क्या होती है इस सगौली संधि से निश्चित हो जाती है, और इसी सीमा के विवाद का जो कारण चल रहा था अभी आपका पिछले साल, ठीक है ना, क्योंकि उसमें नेपाल कह रहा था नहीं ये काला पानी का जो क्षेत्र है हमारा है ये वो, ठीक है ना। तो वहां पे क्या है कि जो भारत सरकार है वही क्या करती है, सगौली की संधि का हवाला देती है और कहती है भैया तुम सगौली की संधि में ही क्या किए थे, ब्रिटिश राज्य और नेपाल की सीमा को निश्चित किया गया था और उसी सीमा पे हम अड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो भारत एक प्रतिबद्ध देश है जो अपने बातों पे टिका रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तीसरा जो है, नेपाल ने सिक्किम से अपने सभी अधिकार वापस ले लिया, ठीक है, क्योंकि क्या था, नेपाल जो है सिक्किम पे अपने अधिकार को जमा रखा था, लेकिन इस संधि में क्या हुआ कि वो सिक्किम से अपने अधिकार को वापस ले लेता है। अब क्या है, काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखने की अनुमति हो जाती है, ठीक है। यानी कि इसी संधि के अनुसार क्या होता है कि जो नेपाल की उस समय की राजधानी थी और आज भी राजधानी है काठमांडू, उसमें एक ब्रिटिश रेजिडेंट यानी कि एक ब्रिटिश का अधिकारी होता था, उसको रखने की अनुमति इनको मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए, यानी कि ये चार संधियां आपको सगौली संधि में आपको याद रखनी है, जो कि नेपाल और अंग्रेजों के मध्य हुई थी 1816 के अंदर, ठीक है। और इन चारों को आप डिटेल से याद रखिएगा, और यही था, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, नेपाल और अंग्रेजों के बीच यही संबंध था। और इसके द्वारा क्या होता है, जब सगौली की संधि हो जाती है तो आपको यहाँ पे नैनीताल हुआ, मसूरी हुआ, शिमला हुआ, ये अंग्रेजों को मिल जाते हैं। और जब अंग्रेजों को मिल जाते हैं तो अंग्रेजों के लिए क्या होता है कि मध्य एशिया में जाने के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों ये वीडियो इतना ही रहने देंगे, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ कि छोटा छोटा वीडियो रहे, जिससे आप हर समय जो है एक एक टॉपिक को, मैंने चाहता हूं कि एक ही वीडियो में चार टॉपिक मैं आपके सामने रख दूं और आप कंफ्यूजन में आ जाएं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि एक एक टॉपिक छोटे छोटे कम कम समय में हम क्या करेंगे, पूरे अच्छे तरह से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।